सब्सक्राइब करिए हैशटैग मास्टरऑफ टेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग मास्टर ऑफ टेक। आप बहुत दिनों बाद मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, जानता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चेंज कर दिया है। तो मेरे पहले वाले फ़ोन में ये प्रॉब्लम थी, उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, जिसमें चार्जिंग नहीं हो पा रही थी, तो जैसे मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था और आप सिर्फ वीडियोज़ में दानिश की आवाज़ सुन रहे थे जो मेरा दूसरा फ्रेंड है। हाँ, तो मैं आ गया हूँ वापस एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है हमारे चैनल की कंटेंट से। हम लोग ज़्यादातर मॉड गेम्स, PPSSB गेम्स, ऐप्स के रिव्यू और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं जो आपके डिवाइस को और अच्छा यूज़फुल बना सकती। पर आज हम एक गेम प्ले के बारे में बात करने वाले हैं, गेम के बारे में जो बहुत ही फेमस है। सिंपल से गेम प्ले होगा, कोई इसमें PPSSB ये गेम्स वेम्स नहीं होंगे। सिंपल सा गेम है, बहुत ही पॉपुलर है आप सभी फैंस के बीच में, फ्री फायर। तो आज हम उस फ्री फायर गेम, वो तो मैं बहुत खेलता हूँ एडिक्टेड नहीं हूँ पर खेलता बहुत हूँ, बहुत पसंद है मुझे फ्री फायर। हाँ, क्यों तो मैं आज आपको फ्री फायर गेम्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको फ्री फायर गेम बहुत ही अच्छा लगता है तो आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। इतने दिनों बाद वीडियो लाया हूँ, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। हाँ, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा फ्री फायर गेम की। तो गेम के बारे में आप सब जानते ही हैं कि बहुत ही पॉपुलर गेम है PUBG और फ्री फायर। आजकल बहुत पॉपुलर चला है क्योंकि दोनों ही बहुत मस्त गेम है। तो मैं फ्री फायर की टिप्स दे रहा हूँ और दानिश जो मेरा दूसरा फ्रेंड है वो आपको PUBG की टिप्स देगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम लोग की जो पहली टिप है, यानी कि टिप नंबर 1, तो वो है आपकी लैंडिंग पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको लैंडिंग प्लेसेस सही नहीं पता होंगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। जैसे मैं ज़्यादातर अपनी फेवरेट जगह, जैसे मेरी फेवरेट जगह शिपयार्ड और केप टाउन है, यहीं पर मैं ज़्यादातर जाता हूँ। तो जो जो जगह मैं मैप में मार करता हूँ यहाँ पर आपको लूट भी बड़ी अच्छी मिल जाती है और यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं आते, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं प्लेसेस पे जाएँ क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छी लूट प्रोवाइडेड रहती है और आपको ज़्यादा अपोनेंट मतलब कि एनिमीज़ का डर भी नहीं रहता है अगर आप अभी नया स्टार्ट किए। नहीं तो आप अपने बहुत पहले से खेल रहे तब तो आप कोई भी जगह पे जा सकते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। पर ये टिप बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इन्हीं जगहों से स्टार्ट करना चाहिए अपना मैप। तो जैसे कि मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट जगह ग्रेवयार्ड में क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी लूट मिलती है और मुझे मज़ा भी आता है और मैं इस जगह को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कोई मुझे यहाँ हरा नहीं सकता। तो जैसे मैं यहाँ पर लैंड हुआ हूँ तो यहाँ एकदम रूफ के टॉप पे भी बहुत अच्छी अच्छी गन, जैसे मुझे स्कारल मिल गई है। स्कारल आप लोग में से कोई PUBG खेलता होगा तो जानते ही होगा स्कारल है। तो चलिए, तो हम लोग की जो सेकंड टिप है वो है कंफ्यूजिंग द एनिमी। एनिमी को आप कंफ्यूज कर सकते हैं जंप एंड शूट ट्रिक से, ये फ्री फायर की सबसे बेस्ट ट्रिक है। और या फिर आप नो रूम फॉर एरर्स मतलब ग्लू वॉल की एक ट्रिक है, उससे आप एनिमी आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कहाँ से अटैक करेंगे, फिर आप उसको शूट कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक से आप बहुत आसानी से मैच जीत सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, इसकी वजह से आप कोई भी मैच आसानी से जीत जाएंगे। आपको न्यू स्ट्रैटेजीज और कन्फ्यूजिंग योर एनिमी इन अ वेरी ईजी वे, अलग अलग वेज ढूंढने हैं आपको से आप अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सकें। जैसे कि वो उस मैंने उसको पहले शूट किया, फिर वो मैं वहाँ से भाग गया, अब मैं इसके पीछे से जाके इसको मार के दिखाता हूँ आप लोगों को। और हर टेक्निक एक अलग टाइम पे वर्क करती है, जैसे ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया ये। अब जैसे ये यहाँ है, मैं पीछे से इसके आसानी से इसको मार सकता हूँ और ये मुझे ढूंढ रहा था। अब हमेशा अपने एनिमी को कंफ्यूज रखेंगे तो आप। तो हम लोग की जो थर्ड टिप है वो है रिलोडिंग पे डिपेंड करती है। रिलोडिंग का टाइम अगर आपका सही है तो आप कोई भी मैच जीत सकते हैं कि आप हर एनिमी को मारने के बाद अपनी गन रिलोड करिए, भले ही आपके पास कोई फ्यू बुलेट्स हो मतलब कि थोड़ी बुलेट्स हो, क्योंकि रिलोड करेंगे तो आप एनिमी से बच। तो हम लोग की जो फोर्थ टिप है वो डिपेंड करती है रिएक्शन टाइम अगर आपका सही रहेगा और आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट सही रहेगी तो आप किसी भी एनिमी को आराम से हरा सकते हैं। और जंप एंड शूट टेक्निक को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। तो इस मैच में मेरी बहुत कम HP हो गई थी, तब भी मैंने जंप एंड शूट और अपने रिएक्टिंग टाइम को सही में बैलेंस करके ये इन सारे एनिमीज़ को किल कर दिया, आप देख ही सकते हैं। तो हमारी जो लास्ट एंड फाइनल टिप है वो है
कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनिमीज इन दी लास्ट सर्कल. लूटिंग पे कॉन्सेंट्रेट ना करके अगर आप लास्ट सर्कल में एनिमीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप मैच जरूर जीतेंगे. तो ये हमारी लास्ट टिप थी. अगर आपको ये टिप्स एंड टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज हम इन टिप्स को फॉलो करके अपने गेम में जो इम्प्रूवमेंट आए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ आप सभी के लिए. और बहुत दिनों बाद आपने मेरी कोई वीडियो देखी है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए. और अगर आपको किसी भी टॉपिक और आपका गेम में एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है कि नहीं उसकी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा. आप कमेंट में हमें बता सकते हैं आपको कौन से गेम्स के बारे में चाहिए, हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे. तो तब तक के लिए अलविदा एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.